हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सब सही होंगे। तो मैं आया हूँ आज फिर एक नया व्लॉग लेके। मैंने आप लोगों को कल के व्लॉग में भी दिखाया था कैसे मैंने अपना दिन पूरा बिताया है। तो अभी मैं नहा कर तो आ गया हूँ बाहर में, अब नाश्ता करने की बारी है। लेकिन पर आज यहाँ मौसम का थोड़ा अदल बदल हो रही है कि मौसम कभी बादल हो जाए कभी धूप हो रही है। ये देखिए अभी तो यहाँ पर धूप निकली हुई है, अभी थोड़ी देर बाद बादल भी हो जा रहे हैं, ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी जैसे ही बादल हो जाएंगे तो मैं बाहर बाहर घूमने जाऊंगा यहाँ से। अभी मम्मी ने बोला कि नाश्ता कर ले, तो मैं भी नाश्ता करने जा रहा हूँ। तो चलते हैं अभी नाश्ता करने, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को अपने दियो के आवे के पास लेके जाऊंगा, जहाँ पर जो दिए थे। तो मैंने नाश्ता वास्ता कर लिया है, अभी बाहर देखा तो मौसम ठीक हो रहा है, तो मैं दुकान पर जा रहा हूँ। अभी ज़रा भैया का सामान लेके आना है थोड़ा सा, और वैसे भी सामान लेके आना है, तो अभी हम चलते हैं दुकान पर। तो गाइस, जैसे कि मैंने कल आपको वीडियो में दिखाया था कि हम लोग दिए पकाने का काम कर रहे हैं, तो लेकिन पर दिए पकाने के लिए वो जो लगाए थे मैंने दिखाया था कि आपको कल दिखाऊंगा, लेकिन पर आज दिखाने का वो नहीं मिला क्योंकि मैं थोड़ा आज लेट उठा था। तो देखे पापा ने, ये सारे पापा ने मम्मी ने मिलके सारे दिए हटा ही दिए हैं यहाँ से, बिल्कुल जो राख भी थी। लेकिन पर मैं दिए दिखाता हूँ कैसे पके हैं। देखिए इसी जगह पर यहाँ पर दिए लगाए गए थे, पूरी राख वाख हटा दी है मम्मी पापा ने। देखिए जो दिए पके थे वो उसके बाद ऐसे दिख रहे हैं, अब बिल्कुल लाल हो चुके हैं। जो जैसे पुराने वाले थे जो काले हो रखे थे वो भी सही हो गए हैं। तो मतलब दिए पकाने का काम ऐसे होता है, बिल्कुल लाल भी हो जाते हैं वो खुद ही पकने के बाद। तो दिए वे का तो काम हो गया था अब कल से ही, अब पता नहीं पापा कब लगाएंगे दिए बनाने के बाद, उनको वापस से पकाने के लिए आवा कब लगाएंगे, तो वो तो अगली बार मैं फिर से आपको वीडियो में दिखाऊंगा। जैसे कि मैं कह रहा था कि मैं आज घूमने जाऊंगा बाहर, तो लेकिन पर शायद आज घूमने जाने का भी सपना रह जाएगा, क्योंकि देखिए आज धूप इतनी निकल चुकी है, क्योंकि देखिए धूप इतनी तेज निकल गई है आज कि बस कहीं जाने का मन नहीं है, गर्मी बहुत हो रखी है। तो अभी मैं जा रहा हूँ मौसी के यहाँ, वहाँ पर मुझे काम है, मेरी बहन भी वहीं है प्राची, अभी तो मैं प्राची के पास भी जा रहा हूँ, उसको भी लेकर आ जाऊँगा साथ में। मौसी के यहाँ जरा काम था, मम्मी ने भेजा था, तो मैं भी आ गया हूँ मौसी के घर पे। अजय भैया सो रहे हैं अभी पीछे, तो वो सब लोग तो नीचे भी काम है उनको, जरा नीचे हैं वो सब। तो प्राची भी थोड़ी देर बाद ही आएगी, तो मैं तो चलता हूँ घर वापस से। मैंने सामान वामान दे दिया यहाँ पे, फ़ायदा कुछ नहीं मेरा आने का यहाँ पर। है गाइस, मेरा बाहर जाने का तो प्लान बना नहीं है, आज धूप बहुत तेज़ हो रही है, कल से भी ज़्यादा गर्मी है आज। तो अभी मेरे को भूख भी लग रही थी, तो मम्मी तो यहाँ पर है नहीं, भैया भी ऊपर वाले कमरे में जा रखे हैं, मम्मी यहाँ पे नहीं है, प्राची नहीं है, पापा नहीं है यहाँ पे। तो मैं सोच रहा हूँ आज कुछ बना लूँ, तो मैंने सोचा फिर मैगी बना लूँ, क्योंकि मम्मी ने कुछ बना के नहीं गई थी, सिर्फ रोटी बना के गई थी। सब जो कढ़ी रखी है कढ़ी मैं आज खा नहीं रहा हूँ, मैं मैगी बनाने वाला हूँ अपने लिए। तो मैं मैगी तो लेकर आ गया था, तो मैं भी मैगी बनाने का पूरा वो शुरू करता हूँ। मैंने रख दिया कढ़ाई, इस पर गैस भी चालू कर दिया, मैं पानी डालता हूँ, इसमें पानी डाल दिया मैंने इसमें, तो ये पानी तो उबल गया है, मैं अभी इसमें अपना मैगी मसाला डाल देता हूँ। तो मैं इसमें भी थोड़ा सा नमक नमक मिर्च और डाल देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा कम रह जाता है। तो मेरा खाना तो हो चुका है रेडी बिल्कुल, अब मैं दिखाता हूँ आपको क्या क्या मेरे खाने। मैगी है मेरे, फिर रोटी रखी है मैंने, फिर सैलेड में खीरा रखा है पूरा अपने साथ के लिए। अब मैं मैगी खाता हूँ यहाँ से, गाइस मैगी कुछ ज़्यादा मिर्ची डाल दी मैंने, कुछ ज़्यादा स्पाइसी बन गई है मैगी। दिखने में तो इतनी वो नहीं लग रही है कि मैं ज़्यादा मिर्च होगी, इसमें मिर्च बहुत लग गई है। मैं पानी लेने जाता हूँ, पहले पानी पीना पड़ेगा। तो गाइस खाना तो हो गया, बहुत ज़्यादा ही मिर्च वाली मैगी बन गई थी, वो गलती से मेरे से कुछ ज़्यादा मिर्च डाल दी जब मैंने दिखाया था आप लोगों को। तो चलो उसको तो कंट्रोल कर लिया ने, मैंने अभी थोड़ा मीठा खा लिया था कुछ। तो अभी तो बाहर देखो धूप हो रही है, तो बाहर। तो आप लोगों को आज का व्लॉग भी मेरा अच्छा लगा, तो आप लोग इस व्लॉग को मेरे लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। के बाय बाय, टाटा, मिलते हैं अगले व्लॉग में हम फिर लोग सब, बाय।